अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज आपको एक 75 साल के पैंथर से मिला रहा हूं, एक ऐसा योद्धा जो दलित पैंथर से खड़ा होता है और मास मूवमेंट के साथ सम्यक क्रांति करते हुए फुले अंबेडकर विचारधारा के साथ प्रवाहित होता है। बीच में अपनी बात को, अपनी नीति को धम्म लिपि के साथ एक अपनी कलम से उजागर करता है और उसी योद्धा से आज आपको मिला रहा हूं। आप समझ गए होंगे ये योद्धा परिचय का मोहताज नहीं है। आप है राजा ढाले साहब, और राजा ढाले साहब से इस वक्त आपको मिला रहा हूं। आंदोलन की इस पूरे सेगमेंट में जिन्हें भाऊ के नाम से जाना जाता है, भाऊ जय भीम। जय भीम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू भाऊ। इस समय आपकी उम्र के 75 साल पूरे हो गए हैं और एक लंबा समय जो लगभग जहां से मैं देखता हूं कि 1970 के दशक से एक सक्रिय सहभागिता रही है आपकी अंबेडकरवादी आंदोलन में, और वो आंदोलन जो बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ खड़ा होता है और क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ ज़मीन पर काम करता है, दलित पैंथर का आंदोलन, उस आंदोलन को आप जन्म देते हैं। और उसके बाद अब तक कभी रिपब्लिकन सेगमेंट के साथ, कभी उसके बाद में सम्यक क्रांति, मास मूवमेंट और फुले अंबेडकर विचारधारा, इतना बड़ा और लंबा सफ़र आप तय करते हैं। इस वक्त इस पड़ाव में आंदोलन की समीक्षा कैसे करेंगे आप, उसको कैसा देखेंगे आप? ये देखो, ये तो बहुत लंबा सफ़र है समाज बदलने का। जी हाँ, और उसके लिए बहुत समय लगता है। जी, ये कोई ऐसी घटना नहीं कि चमत्कार करके हम समाज को बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, करेंगे बदल देंगे बिल्कुल नहीं। तो समाज बदलने की प्रक्रिया विचार बदलों से जुड़ी हुई है जी। और विचार बदलने के लिए आंदोलन होता है बिल्कुल। तो उस इस रास्ते पर चलते हुए मुझे करीबन 40-50 वर्ष हो गए, विद्यार्थी दशा से मैं ये करते आ रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और इसके पहले जो आंदोलन हुआ है वो ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से क्रांतिकारक पुरुषों ने जी इस समाज को अस्मिता देने का प्रयास न किया है। जी जी जी, ज्योतिबा फुले की जो मूवमेंट है वो, जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, इन समाजों में पैदा हो गई, मगर अगर कहाँ पर पनपी है तो वो दलितों में, बाबा साहब अंबेडकर की अनुयायियों में पनपी है, बाकी नहीं। यानी तभी भी जो कार्यकर्ता लोग थे वो कार्यकर्ता लोग प्रशिक्षित नहीं थे, जिन्होंने अपना जीवन उसको बहाल किया मूवमेंट को, ऐसे लोग नहीं थे जी। तो क्या हो गया कि ज्योतिबा फुले के काल में, जैसे कि पेशवाई के बाद उनका काल आता है जी हाँ, जी हाँ। उस काल में हम लोग उतने डट के खड़ी नहीं हो गए जितने खड़े होने चाहिए थे। अछूतों में ये मूवमेंट बहुत आस्ते आस्ते फैल गई जी। और इसका कारण ये है कि ज्योतिबा के समय में शिक्षित लोग ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, उसके बाद बाबा साहब का जो दौर आया उसमें भी हम एक देखते हैं कि विचारों से हम लोग जुड़े नहीं थे, व्यवस्था से जुड़े थे। व्यवस्था तोड़ने के लिए जो विचार आवश्यक थे वो बाबा साहब ने दिए, मगर ये परिवर्तन किस लिए है क्या चला है, इसके बारे में सामान्य लोग उदासीन थे, क्योंकि इनमें शिक्षण की प्रक्रिया नहीं थी, जैसे कि ज्योतिबा के। जी जी जी। तो क्या हो गया कि ज्योतिबा की विचारधारा यहाँ पर पनपी नहीं ज़्यादा ज़ोर से उनके समय में। इसका कारण ये रहा है कि ज्योतिबा को शिक्षित लोगों ने उस दरमियान स्वीकारा नहीं, ऊंचे दर्जे के लोगों ने स्वीकारा नहीं, और समाज जैसे थे वैसा ही रह गया। ओह, आज बाबा साहब के बाद बाबा साहब की मूवमेंट ख़त्म होती है, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनकी उसके बाद फिर उनके अनुयायी और उत्तराधिकारी वो सब। तो ये जो है जी कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, संगठित नहीं थे, हमारे पास कोई खास ध्येयवाद नहीं था, तो हमारी संगठन महापुरुषों के साथ समाप्त होते गई।
वो जैसे आ, आ, भाव वो मुझे मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब के बाद क्या ऐसा कोई प्रयास हुआ कि बाबा साहब के आंदोलन को एक संहिता के तहत या फिर एक संविधान के तहत उसे समेटा जाए और ये ध्येय तैयार किया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसका कोई ध्येय या उसका कोई उद्देश्य डिसाइड किया जाए? क्या पैंथर में आपने इसका ऐसा प्रयास किया? तो बात ये है जी कि पैंथर भी इसके लिए अपवाद नहीं है। अच्छा, जो ज्योतिबा फुले के समय में हो गई हमारी वाताहत, या मराठी में हम कहते पड़झड़ जी, वैसे ही बाबा साहब के बाद में हुए। बाबा साहब की कोई मूवमेंट आज सिलक नहीं, बाबा साहब के मूवमेंट के टुकड़े हैं। बाबा साहब का विचार नहीं, बाबा साहब के मूवमेंट के टुकड़े हैं जो हम चला रहे हैं। उसमें कोई नई विचारधारा अभी तक आई नहीं। क्यों आई नहीं कि हम इतने शिक्षित नहीं हो गए? हम यहाँ के संस्कृति से जूझना चाहिए था, वो हमारे हाथ से नहीं हुआ है। आज भी खाली शिक्षण हम लेते हैं और नौकरियाँ करती हैं। इसके पीछे कोई खास वजह मानते हैं आप? ये जो कुछ है कि क्रांति का चक्र चलाने के लिए विचारों का चक्र चलाना चाहिए समाज में, वो नहीं होता है। लेकिन आपने तो बहुत प्रयास किया, धम्म लिपि के माध्यम से आपने बहुत चीजें। पढ़ने वाले कम थे, अच्छा छपवाने वाले हम लोग थे, मगर वाचक वर्ग होना चाहिए ना। अच्छा। खरीदते कोई नहीं थे, तो विचारों का स्रोत्र हर हमेशा नए फोर्स से लोगों तक जाना चाहिए और लोग सजग होने चाहिए। ऐसी प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है, अभी तक नहीं शुरू हो गई। हमारा फेल्यूर इसमें है कि हम अज्ञान लोगों में काम करते हैं, जिनका कोई ये नहीं है, संगठन नहीं है, जिनमें कोई अस्मिता नहीं है, ऐसे लोगों में काम करना और उनको उठ खड़ा करना, ये बहुत बड़ी लेकिन एक दूसरी बात अगर हम देखते हैं भाव कि अगर कोई आंदोलन के लिए अगर आम जनता को, आम लोगों को अगर जोड़ दिया जाए, उनसे आह्वान किया जाए या उनके सामने कोई चुनौती आ खड़ी हो जाए, तो वो तो बिल्कुल सड़क पर चले आते हैं। आते हैं, मगर कब? कि जब बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, जैसा कि रीडल है, उस समय जो कुछ आंदोलन हो गया वो ऐतिहासिक था, मगर आम तौर पर लोग ये गठित नहीं होते, संगठित नहीं होते, और मूवमेंट तो हर दफ़ा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो लेकिन ये जिम्मेदारी तो आप जैसे नेताओं की ही थी? नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। समाज बदलने का कोई ठेका कोई नेता नहीं लेता। लोगों को लगना चाहिए कि मैं बदलना चाहिए, मेरा घर बदलना चाहिए, तो ऐसी अवस्था अभी तैयार हो रही है। अभी लोग सुस्थिति में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोचने लगे। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वो ऐसा है कि नेता समाज को डायरेक्ट नहीं करते, तो समाज नेताओं को डायरेक्ट करेगा? नेता कितना भी बड़ा हो जी, उसको अपयश क्यों आता है? बाबा साहब की मूवमेंट रुकी क्यों है? ज्योतिबा फुले की मूवमेंट रुकी क्यों है? उनकी गलती है वो? यानी समाज का परिवर्तन जो होना चाहिए था, उनके जरिए से जो कुछ उनके विचार थे वो तो चले गए, और आज भी वैसी अवस्था है जैसे कि हर एक बड़े आदमी के बाद होती है, आपत्तिजनक अवस्था होती है समाज की जी। वही समय आज है। आज देखो कि अच्छा, क्या लेकिन आप रिडल्स के समय भी या पैंथर के समय भी या फिर जब आप मास मूवमेंट लेकर चले तब भी आपने ऐसा महसूस किया? मैंने सब बार कि इसका कारण है जी, जो नेता होते हैं वो नैतिक नहीं होते। बिकाऊ नेता तैयार हो रहे हैं, उनका जैसा कि नोट छपती है झूठी, वैसा ही करेंसी है, तो इसमें विचारों का प्रवाह नहीं है। ऐसे लोग नेता बनते हैं, स्वार्थी लोग नेता बनते, इसलिए संगठन टूट जाता है हर बार। क्यों? इसका कारण ये है। तो इनको नेता हम कहेंगे क्या? लेकिन ये टूटना, देखिए बाबा साहब जब जिंदे थे तभी भी उन्होंने इसके बारे में सोचा था, और मेरे लोगों का आगे क्या होगा, क्योंकि ये लोग आपस में झगड़ रही है। जिंदा अच्छा। थे तभी भी उन्होंने बताया, और ये बात हमारे जो बाबा साहब के आख्यायिका या अठौनी जिसको कहते हैं स्मृतियाँ जो है, जो करने वाले वो जो उनके सेक्रेटरी थे नानक चंद रत्तू, उन्होंने लिख के रखा ही है जी कि तभी भी लोग ऐसे थे, और इसलिए बाबा साहब चिंतित थे। इसलिए वो बोलते हैं, बाबा साहब बोलते हैं, अरे मैंने जो रथ यहाँ तक लाया है, घाड़ा जो लाया है,
जो कारावानी यहाँ तक मैंने लाया है वो आगे नहीं ले जा सकते हो तो रुको, मगर ये पीछे मत खींचो। इसका मतलब क्या है कि पीछे वाले खींचने वाले लोग हैं, मौजूद हैं, ये उनको मालूम था कि मैंने बहुत प्रयासों से जी संकटों से झगड़ के मैंने ये काफिला यहाँ पर लाया है, अब ये पीछे मत ले जाओ, आगे नहीं ले जा तो रुकना जाए। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग ऐसे हैं कि जो आगे खींचने के लिए लायक नहीं है। मतलब ये पीछे खींचा जा रहा है अभी नहीं, वो प्रोसेस है कि आस्ते 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 हम आगे जाना चाहिए। इसके बारे में पहली जागृति होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, ईर्ष्या होनी चाहिए। गुलामी का एक ऐसा असर होता है कि आदमी गुलामी के बारे में सोचता है, गुलाम बन जाता है। गुलामी के बारे में ये नहीं से कि गुलामी फेंक देना चाहिए। आज ही हम बौद्ध होके भी महारों के काम करते हैं और हमारे जो जनगणना होती है उसमें हम बौद्ध नहीं कहलाते आप खुद को, क्योंकि मेरी नौकरी की समस्या है। इसलिए आज क्या हो गया कि अभी जो नए आंकड़े आए हैं बौद्ध लोग कितने जी, 1% भी नहीं है देश में, 0.78 ना। क्यों है ये, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, क्या हमारे अनुयायी सही रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं, लेकिन ये शर्म किस किस को आनी चाहिए? क्या आम जनता को आनी चाहिए, नेताओं को आनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को आनी चाहिए, किसे? ये जिम्मेदारी हर एक आदमी की। आत्मदीप भव, गौतम बुद्ध हर एक को बोलते हैं कि आत्मदीप भव, अब तुम करते ही नहीं कुछ हो, तुम स्वार्थ के लिए किसी भी पक्ष में जाते हो और तुमको स्वार्थ से मतलब है, तुमसे ध्येयवाद से मतलब नहीं। बाबा साहब ने ध्येयवाद दिया है कि दलितों की मुक्ति, ये हमारा ये जो राजनीति है, तो उसमें दलित लोगों ने क्या किया, किसी भी पक्ष में जाके बैठे आज। लेकिन आज, आज जो कुछ चला है ना, तो इसका मूल ये है कि हम भी गुलामी चाहते हैं, रहना चाहते हैं। भाव, आपके वक्तव्य से बड़ा निराशा का स्वर आ रहा है। नहीं नहीं, तो मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं 75 उम्र का हूँ, 40-50 वर्ष में यानी विद्यार्थी दशा से मैं काम करते आ, और अभी आगे भी करता रहेगा। मगर मेरी संगठना इतने मोड़ बदलाव उसमें क्यों आए, इसका कारण है कि लायक जोड़ीदार नहीं मिलता, लायक नेता नहीं मिलते, लायक जो मुखिया नहीं मिलते हमें, ये तो बात है। लेकिन भाऊ, आपका काम तो साहित्य से लेकर, तो समाज क्षेत्र से लेकर, तो सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर, तो वो सर राजनीति तक हर सेगमेंट में आपका काम रहा है। बराबर है कि सब तरह के जो खोखलेपन है साहित्य में, इधर है उधर है, सब बदलना चाहिए ना, सब तरह के अपने नए विचार, नई मूल्यधारा समाज में फैलनी चाहिए। वो फूले और अम्बेडकर के विचारों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये तो हमारी पहली शर्त है। और ये शर्त नहीं चाहिए, लोगों को ललित चाहिए, दलित और ललित एक ही है वैसे देववाद कोई नहीं रियलिटी बदलना चाहिए, रियलिटी सामने लाने से मतलब नहीं साध्य होता। उसको एक दिशा भी होनी चाहिए, उसको एक दिशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, ध्येयवाद होना चाहिए और हर एक आदमी ने अपना योगदान उसे देना चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए भाऊ कि इस चीज़ को आप कितना महत्व दे पाते हैं कि हम पूरे अम्बेडकरवादी सेगमेंट को अगर देखें तो वहाँ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई कार्यकर्ताओं के लिए या फिर नेताओं के लिए या फिर प्रचारकों के लिए, तो क्या ये उसके पीछे ये कोई वजह हो सकती है? जब इंस्टीट्यूट ऐसी कोई नहीं थी ट्रेनिंग, तभी भी लोग मूवमेंट करते थे ना। अच्छा, बात ये है कि लगन नहीं है उनके, उनमें किसी से लगाव नहीं है, कोई ध्येयवाद नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं। को राह पर लाना है तो बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, बहुत बड़ी व्यवस्था बदलने के लिए बहुत साहित्य होने चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, हर स्तर पर होनी चाहिए। इसमें हम कम लोग, अभी कम है। तो ये जो खामी है, ये जो कमजोरी है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखो, हम लोगों को विरोध करने वाले लोग बहुत हैं, हम कितना भी बदलने चाहे मगर वो लोग हमको वैसा ही रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हम लोगों में कितनी नौकरियाँ हैं जो गवर्नमेंट की है मिली है, 90% लोग आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। तुमको मालूम नहीं होगा, आपने गिनती नहीं की, मगर तुम्हारा तुम्हें पिछड़ा रखने के लिए लोग काम कर रहे हैं। आज ये देश भारत है ऐसा बाबा साहब कहते हैं, और यहाँ का पंतप्रधान पंतप्रधान होने के बाद हिंदुस्तान कर रहा था कितने तो दिन,
जब मैंने चिल्लाया कि ये बंद करो नहीं तो उसको एक ये करना पड़ेगा, प्रतिबंध करना पड़ेगा, तो ये लोग, यानी हिंदुस्तान शब्द क्यों यूज़ किया जाता है हर एक टीवी पर चैनल पर, क्यों किया जाता है यूज़, आज भी किया जाता है। ये हिंदुस्तान है, खाली हिंदुओं का देश है, बात क्या है, यानी हम लोग गुलाम रहे इसलिए गुलाम का नाम हिंदू होता है। अच्छा, और हम लोग गुलाम रहे इसके लिए वो हिंदू ट्राई करते हैं, और यानी गुलामों के हम गुलाम रहने चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा शस्त्र यंत्र इस देश में चालू है, उसका मुकाबला करना, इसके लिए लोग इकट्ठा करना, उनको शिक्षित करना, सक्षम करना, ये हमारा क्रम है, यही मतलब, हमारा ट्रेनिंग है। मतलब भाऊ अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों तरफ से डिलीवर हो रहे हैं, मतलब जो व्यवस्था, जिस प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा होता है, ये वहाँ भी कमजोर पड़ते हैं और अपने आप को संगठित करने में भी ये कमजोर पड़ते हैं। बराबर है, ये क्या है, देखो आज तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में है, आदिवासी लोगों का क्या है, उनका ध्येयवाद क्या है, उतना सपना क्या है, कुछ भी नहीं, अभी भी नंग धड़ंग शहरों से घूमते हैं, वो क्या काम करते हैं और क्या खाते हैं अपने को मालूम नहीं, ये क्या लोकशाही का अंशाही का, ये लोग हमारी जो लोकशाही प्रस्ताव से लोकानी लोकांसाठी लोकांकड़ून फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, तो इन लोगों को क्या मिला है इस व्यवस्था में, तो उनका भी काम करना चाहिए। आज इस देश क्या वो भी तो अम्बेडकरवादी आंदोलन की जिम्मेदारी है। देखो हमारी सब जिम्मेदारी है, हम सबके भाई है, वो अगर हमारे भाई नहीं भी हो गए तो भी हम उनके भाई है, हमको समझता है कि ये हमारा काम है, जिस समाज में बाबा साहब पैदा हुए, जिस समाज निचले समाज में ज्योतिबा फुले निर्माण हो गए, तो क्यों नहीं हम किसके लिए ये करें, उनका देवा तो यही था समाज को बदलना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बदलने की प्रक्रिया हमारे पास है, मगर हमें बदलने को नहीं दिया जाता ऊपर के, यानी राज्य स्तरीय स्तर पर वो सब तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हम लोगों को वैसा कौन, कौन ये षड्यंत्र रच, सभी लोग रहे, सभी के दिमाग बदलने चाहिए। तो ये बदलने की प्रोसीजर कैसे शुरू करना चाहिए, हम लोग करते हैं ना, हमने जो कुछ किया किसी साधन के सिवाय किया है। जी हाँ, आप मेरे यहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कि कुछ ना कुछ हम लोगों ने किया है इसके लिए, तो मैं ऐसा कहूँगा कि अपने आप कुछ नहीं बदलता, बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए और हर एक ने करना चाहिए, मैं बदलने के रास्ते पर चला हूँ, मगर तुम बदलना नहीं चाहते तो मेरी भी अप्रगति होती है। जी मुझे बताइए भाऊ, जब जिस वक्त आपने पैंथर को शुरू किया था, तब पैंथर के सामने क्या ध्येय था? देखिए तब समाज पर अन्याय घोर अत्याचार हो रहे थे, बाबा साहब जैसा नेता नहीं था उस वक्त, और हमारे जितने भी लीडर थे वो लोड सही में लीडर नहीं थे, वकील लोग थे, उनकी वकीली भी नहीं चलती थी और उनको ये भी काम करने के लिए समय नहीं था, ऐसा ही यानी जो पढ़े लिखे आए वो लोग कोई कार्यकर्ता नहीं होते सभी, बाबा साहब के उस वक्त जो कुछ वकील लोग हो गए थे वो इकट्ठा आ गए उनके पीछे और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की, क्या हो गया रिपब्लिकन पार्टी का, शक्लें हो गई, छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वही टुकड़े लेके आज तक कितने तो लोग जी रहे हैं, आज जो अपनी पार्टी में जिसको कहलाता है आरपीआई वो टुकड़ों में बटी है, उसका कोई नेता नहीं, तो ये जो स्वरूप है ना कि क्या उसके पास में अभी वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाबा साहब की थी रिपब्लिकन पार्टी को बनाने के लिए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की वो आइडियोलॉजी अब इन टुकड़ों में कहीं नजर आती है? मैं अभी ऐसा ये इसके बारे में कोई मैं स्टेटमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब जो अंतर्गत बदल होते हैं जी, वो प्रवाह तो चलता रहता है, हम लोग आज बैठे हैं, कल हम एक में को मिले नहीं थे, आज मिले हैं, तो ये एक प्रवाह में बदल आ रहा है, करंट है हमारे में और आगे चल कर बढ़ेगा वो, मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं बात आगे बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, बराबर बढ़ेगी। अच्छा लेकिन एक बात बताइए भाऊ, कि आपने इतना लंबा समय जब इस पूरे आंदोलन को दिया है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि उस वक्त में जो आंदोलन की धार थी वो धार आज कमजोर हो गई? देखो कल भी मैं प्राण देने के लिए तैयार था, आज भी है, क्या धार कम हो गई, ऐसा आप महसूस? कुछ लोग बिकाऊ निकले उसमें हमारा क्या दोष है उसमें? जी यानी ये जो लोग है, जो बिकाऊ लोग है उनको हटाओ पार्टी से, वही नेते बनता है, वही सब करते हैं और उनके वो लायक नहीं होते तो क्या करेंगे हम लोग,
जैसा कि आपने इस चर्चा की शुरुआत में कहा कि नैतिकता ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और वो लोगों में न रही, आपको क्या लगता है कि नैतिकता लोगों में नहीं आने के पीछे क्या बुद्धिज्म की प्रैक्टिसिंग न होना ये उसके पीछे कोई कारण हो सकता है? बुद्धिज्म का प्राण है नैतिकता जी, बाबा साहब का विचार का मुख्य अंग है नैतिकता। तुम नैतिकता को स्वीकार करो और पंचशील का ग्रहण करो, इसका मतलब क्या है? वही है, समाज में वो नैतिकता नहीं है इसलिए समाज एक संघ नहीं है, जाति में बट गया है वो। हाँ, जाति के बारे में घुराना क्यों नहीं आती? क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं जाति के विरुद्ध लड़ने की। हाय वैसा ठेवली अनंते तैसे चिरावे, ऐसी आके भावना है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब इस चर्चा को ना आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मित्रों, इस समय ये जो बातचीत हम आपके पास पहुँचा रहे हैं ये है उस पैंथर से बातचीत जो कि मास मूवमेंट, समय क्रांति, फिल्म अम्बेडकर विचारधारा और धम्म लिपि के जन्मदाता है। और आपको बताएं कि 75 साल में भी ये पैंथर बूढ़ा नहीं हुआ है और उतनी ही ताकत के साथ आप सबसे अपनी उस बात को शेयर कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात है नैतिकता, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है क्योंकि ये जीवनचर्या का हिस्सा बनता है और इस पर बहुत ज़्यादा चिंतित है। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज को नैतिकता सिखाने की जरूरत है, ये ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जान लिया था जी। अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक, अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और अंतराल पर जाने से पहले हमने आपको जोड़े रखा है इस कार्यक्रम के जरिए पैंथर राजा भाऊ ढाले को, साहित्यिक राजा भाऊ ढाले को, धम्म लिपि के संपादक राजा भाऊ ढाले को और मास मूवमेंट, समय क्रांति और फुले अम्बेडकर विचारधारा के जन्मदाता, यानी कि जो सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक ऐसा प्रवाह जो कई कार्यकर्ताओं को उनके जीवन के बदलाव के साथ जोड़ता है। ये बात हो सकती है कि मूल रूप से साहित्यिक व्यवस्था और साहित्यिक पिंड होने के बावजूद उन्हें बहुत वक्त आरपीआई के आंदोलन को देना पड़ा, लेकिन वो भी एक उस वक्त की ज़रूरत रही। लेकिन जब पैंथर खड़ा हुआ तो पैंथर के साथ राजा भाऊ ढाले भी अपनी उस साहित्यिक कविता के साथ और विद्रोह की और वेदनाओं की संवेदनाओं के साथ खड़े हुए। इस वक्त पैंथर जो बात कर रहे थे अंतराल पर जाने से पहले वो बात थी नैतिकता से जुड़ी। नैतिकता मतलब आंदोलन का प्राण मानते हैं, उसका जीवन मानते हैं भाऊ। भाऊ आप कहते हैं कि नैतिकता को जब जीवनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया गया तो आंदोलन बहुत बिखरता चला गया। देखिए, इस देश में गौतम बुद्ध पैदा हुए और गौतम बुद्ध ने पहली बार इस समाज को, ये जानवर जैसे समाज को आदमी बनाने के लिए संस्कारित किया, उनको नैतिकता अध्यक्रम में दिया। जैसे कि अपना पंचशील है, चोरी मत करो, झूठा मत बोलो वगैरह वगैरह, ये इतने बड़े तत्व है जी हाँ, कि हम लोग लफंगे क्यों थे, चोरी क्यों करते थे, इसके पीछे नैतिकता नहीं थी इसलिए। और हमारे जो धर्म ग्रंथ है, पुराण ग्रंथ है, इनमें से जैसे कि कृष्ण लीलाएँ हैं जी, कृष्ण अनीतिमान बनने के लिए आदर्श है, लोगों को अनैतिकता सिखाने के लिए वो कृष्ण की मूर्ति है। बुद्ध नैतिकता के जरिए खड़ा है इस दुनिया में और सब दुनिया को नया रास्ता बता रहा है वो, धर्मातीत मार्ग है वो, धर्म की ओर जाने वाला मार्ग है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना नैतिक आदमी इधर होने के बाद भी ये झूठे लोगों ने, पंडो लोगों ने धर्म के जो कुछ कहते हैं उनको, उन लोगों ने ये सब हमारे ऊपर लादा है आदर्श होने के लिए। फिर गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी वो भी उन लोगों ने तोड़ी है और बाद में कृष्ण आया है, पहले कृष्ण नहीं था, ये कल्पनाचन्य ये है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को नैतिकता सिखाने की जरूरत है, ये ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जान लिया था जी, इसलिए उन्होंने मनवंतर किया है लोगों में। लेकिन एक बात बताइए कि क्या बाबा साहब के बाद जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए, क्या उन लोगों में नैतिकता नहीं रही? नहीं,
वो नैतिक थे या नैतिक नहीं थे इसके बारे में मुझे कहना नहीं, मुझे ये कहना है कि वो सामर्थ्यशाली नहीं थे। अच्छा, उनमें सामर्थ्य नहीं थी, वो वैचारिक सामर्थ्य होना चाहिए ना, विचारों का समर्थन। वो कौन सा वैचारिक सामर्थ्य है जिसकी देखो डिग्री मिलने से, कॉलेज में जाने से या वकील बनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता बनने के लिए खुद आग से चलना होता है और लड़ना होता है हर एक संकट से। वो हमारे पास कौन थे बाबा साहब के बाद, बताओ मुझे। तो वो दृढ़ता कैसे आती है? तो इसलिए लोगों में जागरण करना चाहिए, उनमें जाना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। आज निराश होने की क्या जरूरत है, जब बाबा साहब नहीं है तभी भी हम लोग आज जिंदा है ना, और हमारे अस्मिता है ना, हमारे बाबा साहब के नाम से विद्यापीठ निकल रहे हैं। आज तो जापान में बाबा साहब का पुतला गया है, हम लोग जिंदा इसलिए गया है। अगर हम लोग मरे हुए होते ना तो ये प्रचार नहीं होता। जिस जापान में पुराना बौद्ध धर्म गया, अब वो लोग पूछते थे कि बाबा साहब और उनका धर्म ये हमारा नहीं, अब वो कहते हैं कि बाबा साहब आदर्श है, हमारा धर्म नहीं है, जो बाबा साहब कहते हैं वो सही है। तो ये जो क्रांति हो गई विचार से जी, इसमें हम सब लोगों का योगदान है। जितने लोग बौद्ध करके जिंदे हैं उन सब लोगों का योगदान है, अस्मिता उन लोगों में है, और आगे चलकर बदल होगा। पहले होता नहीं था, पहले हम निराशावादी हो गए भी कुछ लोग, आज निराशा करने की ज़रूरत नहीं। आज देखो बम्बई में जिस बोर्ड पर, जिस समुद्र के किनारे पर बाबा साहब की बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति लगाने वाले कौन लगाने वाले, यहाँ का शासन, यानी शासन भी झुक रहा है अभी कि बाबा साहब एक ऐसा आदमी है कि जग भर जिसका नाम और जिसका आदर्श जा रहा है। तो करना पड़ेगा आधुनिक लोकशाही को, बाबा साहब जैसा नेता मिला है ये उनको समझ रहा है वो लग, इसलिए उनके आदर्श हर जगह वो रोप रहे। जी जी जी, मुझे बताइए भाऊ, आप साहित्य को कितना मार्गदर्शक मानते हैं इस आंदोलन के लिए? देखो अगर लोग पढ़े लिखेंगे तो ही साहित्य का कोई कीमत है। उनको पढ़ने लिखने के लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? तो इसके लिए हम लोगों ने हर बस्ती में हमारे जैसे वीरहार हो रहे वैसे उनके लिए लड़के लोगों के लिए घर में अभ्यास नहीं करना, एक ऐसा संकुल निर्माण करने का हर बस्ती में जहाँ पर लड़के लोग रात को रहेंगे अभ्यास एक तरह, जैसा कि गोटुल होता है आदिवासी लोगों में, वैसा ही हमारे जवान लोगों को रात भर अभ्यास करने के लिए बाबा साहब का आदर्श है कि रात भर अभ्यास कर रहा वो कर रहे थे। वैसे अगर विद्यार्थी निर्माण करते हैं तो पढ़ने के लिए जगह किधर है, अभी ये इतनी छोटी जगह है, इसमें ये कुटुंब रहेगा तो क्या क्या होगा। अच्छा मुझे बताइए कि इन बीते 60 सालों में इस व्यवस्था का भी निर्माण न होना, क्या ये बड़ा फेल्यूरनेस नहीं है? मैं फेल्यूर नहीं समझता, हमारे विरोधक ज़्यादा तगड़े हैं इसलिए। अब हम जब तगड़े बन जाएंगे तो वो उनका फेल्यूर हो जाएगा, तो हम फेल्यूर नहीं चाहते, हम यश चाहते हैं मगर सही मार्ग से चाहते हैं। हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हमें मार्क्सवादी क्रांति नहीं चाहिए, हमें आदमी का अंतकरण बदलना है, और ये काम बहुत कठिन है, वो बहुत दुराराध्य है, बहुत लंबा सफ़र है वो। अभी तो 50 बरस हो गए बाबा साहब होके जी, तो ये तो राह हमको चलने होगी, हम लोगों को बदलना चाहिए, और दुनिया में आगे चलकर ये लोग जो आज अछूत कहते हैं वो सब दुनिया के लीडर बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। मुझे एक बात बताइए भाऊ, 14 अक्टूबर 1956 की जो धम्म क्रांति है, इस धम्म क्रांति का प्रभाव आप पूरे आंदोलन पर कैसा देखते हैं? देखिए धम्म के सिवाय आंदोलन ये निरर्थक है, धम्म उसका प्राण होना चाहिए। हम लोग क्या पॉलिटिकल पार्टीज निकालते हैं, नहीं, उसमें अगर नैतिकता नहीं है तो वो कृष्ण की पार्टी है, बुद्ध की नहीं, बाबा साहब की नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि धम्म क्रांति जो कि जीवनचर्या का हिस्सा है, जो जीवन के बदलाव के लिए हमें प्रेरित करती है। नहीं, बदलाव तो हर चीज़ में लाना चाहिए जी, क्योंकि रूढ़िवादी लोग यहाँ पर बहुत हैं, और जो खुद गुलाम है उनको मालूम नहीं कि मैं गुलाम हूँ व्यवस्था का। ओह, हर एक आदमी जो जात मानता है या ऊंची जाति का मानता है वो भी गुलाम है, और निचली जाति को खुद मानता है वो भी गुलाम है व्यवस्था का। तो व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग इकट्ठा होने चाहिए, खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं,
टोटल ह्यूमैनिटी एक होने के लिए हमारा आंदोलन होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि धर्म का जो क्या द पर्पज ऑफ रिलीजन इज टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये धर्म का कार्य है। जी जी। तो सोसाइटी कौन सी? पृथ्वी भर की सोसाइटी। गुलाम मुक्त समाज बनाना, नैतिकता के तौर पर जाने वाला समाज बनाना, ये हमारा बहुत बड़ा ध्येयवाद है। हम तो अभी दो ढंग भी चले नहीं। अच्छा, दो कदम तो नहीं चले अभी। चले अगर अगर दो ढाई हजार की दो ढाई हजार साल की तुलना में अगर देखा जाए तो मात्र 60 साल का वक्त गुजरा है। मुझे एक बात बताइए भाऊ, जैसा कि बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म के प्रीफेस में लिखते हैं कि भिक्खु, ये प्रचारक जो है, बुद्ध धम्म का प्रचारक जो है भिक्खु है, और भिक्खु ये समाजसेवी होना चाहिए, वो लोगों का मार्गदर्शक होना चाहिए, वो लोगों का मित्र होना चाहिए। इस दृष्टि से आपने आपकी इस हयात में इन 40-50 सालों में आपने कितना प्रयास कर पाए कि ऐसे प्रचारकों का निर्माण हो? बाबा साहब ने जो प्राकथन लिखा है जी जी बुद्धानी धम्म में, उसमें भिक्खु समाज का मित्र होना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं। तो लोग ये प्रचार के लिए कौन से लोग आएंगे? ना भिक्षु होंगे, ना प्रचारक। हम लोग है ना, हम लोग क्या काम किया है फिर? हमारा काम काम क्या है? तो ये खाली भिक्षु का काम है समाज बदलना? यहाँ पर जो महायान पैदा हो गया ना, वो सब हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म की सभी बाजू है उसमें है। आज उसमें से हिंदू जन्म पैदा हो गया। उसके पहले आर्यन लोगों की कुछ फिलासफी थी। तो ये समझ लेना चाहिए कि भिक्षु ब्राह्मण थे बड़ी संख्या में, वो मेजोरिटी में था, इसलिए तो ये विपश्यना वगैरह आ गया। आँख मूंद करके बैठने वाले लोग 3 विद्यापीठ में दुनिया के जाके बड़े विद्वान हो सकेगी क्या? बाबा साहब जैसे आँख मूंद करके बैठने वाले लोग, उसको तो विद्या होनी चाहिए, डिग्री मिलनी चाहिए, उससे बाबा साहब पैदा हो। अगर बाबा साहब आँख मूंद कर बैठते थे तो हमारी मुक्ति नहीं होती थी। और बाबा साहब ने कहा है कि मुझे आँख मूंद कर बैठा हुआ बुद्ध नहीं चाहिए, लोगों में फिरता चलता ऐसा एक बुद्ध चाहिए। हमको, हम लोगों को आदमी बनना है, देव नहीं बनना या पंडा नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, आदमी बनने की लड़ाई है। तो काय के लिए भिक्षु और मार्गदर्शक चाहिए? तो फिर ये जो प्रचारक हैं, ये प्रचारक आप कहते हैं कि हम ही में से आएंगे, तो क्या आपने इसके प्रचारकों के ट्रेनिंग की, उनके निर्माण की कोई व्यवस्था बनाई? देखिए, मैंने अच्छे भिक्षु देखे हैं दुनिया में, और मैं उनके सहवास में भी आया हूँ, जैसे कि आनंद कौशल लैन यहाँ पर थे। भाव, मैं जो जानना चाह रहा था वो ये कि आपने इन पिछले 40 सालों में, 40-45 सालों में जितना वक्त आपने आंदोलन में गुजारा है, आपने क्या कभी इस बात पर कभी सोचा है कि इन प्रचारकों का निर्माण कैसे किया जाए? क्योंकि आपके पास तो अगर मैं महाराष्ट्र भी अगर देखूं, हर एक आदमी जो बर्ताव करता है ना जी, अच्छा बर्ताव करने वाले से लोग अनुकरण करते हैं और वैसे रहने लगते हैं। उसको बनाने की कुछ जरूरत नहीं। ये भिक्षु चोरी नहीं करता तो अपन भी चोरी नहीं करना चाहिए, मगर खुद भिक्षु अगर चोर हो गए तो क्या होगा? तो मैं, मेरा कहना यह है कि चारित्र कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो आत्मगत होनी चाहिए और हर आदमी में होनी चाहिए। नीति के लिए तो हम लोग अभी जूझ रहे हैं सब तरह से। नहीं, बिल्कुल, ये तो पर्सनल प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो नहीं, पर्सनल नहीं, ये समाज भी नीतिवान होना चाहिए ना। नहीं तो वो एक एक आदमी प्रैक्टिस करेगा तो पूरा समाज भी तो नीतिवान होता चलेगा। देखिए, जो आदमी समाज का घटक है, समाज की भाषा बोलता है, समाज के तरफ देखता है, समाज के साथ शादी व्यवहार करता है, तो वो उत्तम आदमी बनना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। मैंने पूरा समाज एक विचार से गठित होना चाहिए, और जिसको मतलब लोकानुकंपाय आत्ताय हिताय सुखाय, ऐसे लोग तैयार होने चाहिए समाज में। इसकी लड़ाई अब तो बहुत बड़ी लड़ाई है, वो चलने वाली है, और मैं समझता हूँ कि इस देश में ये तो इस तरह के लोग पैदा होंगे। मैं क्या पहले बोलूँ कि पूरे दुनिया को सिखाने वाले लोग फिर से हमारे देश में, अम्बेडकरवादी हो गए, वो बुद्धवादी हो गए, वो कबीरवादी हो गए, वो ज्योतिबा फुले वाले हो। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताइए कि अभी फुले अम्बेडकर विचारधारा का क्या चल रहा है? भाई, तो मेरा काम तो चल रहा है। नहीं मतलब अभी देखो क्या काम अभी चल रहा अभी है? हाल ही में हम लोग ये सोच रहे हैं कि 125th
बर्थ यानी जयंती बाबा साहब के आ रहे हैं। जी जी जी। तो बाबा साहब ने जो अमेरिका के विद्यापीठ में कोलंबिया विद्यापीठ में स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने एक निबंध लिखा था जी, और ये गोल्डन वाइजर सेमिनार के एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार के सामने वो पढ़ा था। उसने उसमें लिखा है कि आज तक गाढ़ा भर किताबें इसके विषय पर जाति के बारे में लिखी है, मगर वो ब्रिटिश लोगों ने लिखी है जी, जिसको उसको अनुभव नहीं जाति का कितनी विषारी जात है, ऐसे लोगों ने लिखे है। तो उन्होंने जो लिखा है जाति प्रथा के मूल के बारे में, उसको अभी 100 वर्ष होने वाले हैं। उसमें जो कुछ लिखा है ना, वो इतना अप्रतिम है कि मार्क्स भी उसके सामने ये छोटा हो गया जी। हाँ, जब एक कोई सोसाइटी क्लास जब क्लोज होता होता है तब जाति पैदा होती है, बाबा साहब लिखते हैं। यानी इधर वर्ग संघर्ष का कोई काम नहीं है, जाति मिटाने का काम है, मगर इधर वर्ग संघर्ष लाके क्या करेंगे आप? अगर जातियों का उच्चाटन हो जाएगा, उसका निर्मूलन हो जाएगा, फिर जाति उच्चाटन होना चाहिए, ये मूल काम है। वो फिलॉसफी छोड़ो, रक्तपात करो, भाई से भाई लड़ो, ये सब कृष्ण भी कहता है और ये हमारा मार्क्स भी कहता है। तो ये जो को है ना, बाबा साहब ने एक वाक्य में लिखा है जी कि सोसाइटी में क्लास में जब क्लास क्लोज हो जाता है तो बंदी से समाज निर्माण होता है, जाति पैदा होती है। तो जाति टूटने के लिए जाति से आदमी क्लास में नहीं जाता, विग्रहवाद में नहीं जाता, वो जाति में ही रहता है, जाति का कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए जाति परिवर्तन का हमारा जो उद्देश्य है, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट जिसे बाबा साहब कहते हैं। तो ये जो कुछ उसने कहा है ना, उधर ये 25 बरस के लड़के ने लिखा है वो, और उधर मार्क्स की कोई चलती नहीं। फिर हमारे में कितने तो मूर्ख है, पंडित है, ग्रेजुएट है, डिग्री धारक है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। ये खाली स्टूडेंट है, ये कभी गुरु नहीं किसी के बन सकते, किसी को मार्गदर्शन नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा अपना पन पाओ, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ो, पहले उसका चिंतन करो। तो ये इस वक्त आप उसको प्रचारित करने का काम करें। यस, इसके लिए मैं अभी बम्बई में या जिस जहाँ पर भी कोई मिलेगा तो मैं परिषद लेना होगा बड़ी बड़ी इसके बारे में। अच्छा, जातीय प्रथा के बारे में, जातीय प्रथा मूल की दर है और वो कैसे खत्म होनी है। भाव एक बात बताइए कि बाबा साहब की सोच में ये बात भी रही है कि वे बुद्धिस्ट सेमिनरीज का निर्माण करना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि इस सेमिनरीज के निर्माण की इस वक्त आवश्यकता आप महसूस करते हैं? बाबा साहब के जमाने में तो उसकी जरूरत थी, उनका सपना था। कभी कोई बौद्ध दिखता नहीं था, अभी आप जिंदे है ना, अभी हम बौद्ध है ना, अभी सेमिनरी की क्या जरूरत है? अभी इन बौद्धों को सही रास्ता दिखाना है, बाबा साहब के सही विचार दिखाना है। बाबा साहब ने बुद्ध निजम जो लिखा है, आज तक किसी ने किसी भिक्षु ने मेरे पास सामने लाओ भिक्षु, मैं उसको सवाल करता और वो उत्तर दे सकता है क्या? तुम पारंपरिक बौद्ध धर्म को बाबा साहब का बौद्ध धर्म बता रहे हो और फंसा रहे हो, ठगा रहे हो, ये बंद करो। बाबा साहब ने क्या लिखा है वो बताओ। बाबा साहब मूल रूप से किस चीज़ पर जोर देते हैं? बाबा साहब ह्यूमैनिटी पर जोर देते हैं, भक्ति संप्रदाय पर नहीं, या किसी जिसको रीजनिंग है, हर चीज़ को एक रीजनिंग होती है, वो रीजनिंग की तरफ लेके जाए, साइंस की तरफ जा रहे हैं बाबा साहब। अच्छा, एक मैं दूसरी बात इससे जुड़ती हुई भाव आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब बौद्ध पूजा पाठ लिखते हैं तो ये क्यों लिखते हैं फिर? क्या बौद्ध पूजा पाठ? हाँ, ये बाबा साहब ये देखो, उनके मन में भी वो बौद्ध धर्म की जो आदि प्रतिमा है वो काम कर रही थी। बाद में बाबा साहब की विजन जब बड़ी हो गई तो फिर पूजा पाठ की जरूरत नहीं ना। अच्छा, पूजा पाठ की जरूरत क्या है? पूजा से क्या होता है? क्यों बोलते हैं वो कि आँख बुद्ध के बैठने वाला बुद्ध मले मुझे मान्य नहीं, क्यों बोलते हैं? बाबा साहब एक तरफ से एक पारंपरिक बौद्धों को दुखाना नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ वो परंपरा के खिलाफ भी लड़ते थे। अच्छा, सभी तरह के अज्ञान के खिलाफ बाबा साहब थे। इसलिए बाबा साहब ने अगर कभी बताया होगा कि ये पूजा पाठ करो, मंदिर को जाने के बजाय इधर के किधर जाते हो तो इधर जाओ। अच्छा, इस वक्त बहु अम्बेडकरवादी आंदोलन के सामने कौन सी चुनौतियाँ देखते हैं आप? हाँ देखो, चुनौतियाँ तो बहुत है, मगर उसके उस
उसके सामने खड़ा रहना, उसका डटकर मुकाबल करना इसकी ज़रूरत है। मैं सभी मेरे भाइयों का अपील करूँगा कि तुम डटकर लड़ने के लिए सिद्ध हो जाओ, सभी पृथ्वी तुम्हारे अंकित हो जाएगी। अगर तुम कुछ नहीं करेगे तो तुम गुलाम करके मर जाओ। भाव, हमारा ये वक्त जाता रहा है। अभी एक अंतिम टिप्पणी के रूप में अगर हमारी इस पूरी चर्चा को अगर आप समेटना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है जी। एक इस्लाम को मानने वाला आदमी APJ कलाम, यहाँ का अंतरिक्ष का सभी विज्ञान सीख सकता है, वो भी परमेश्वर को मांगता है, मगर वो विज्ञानवादी आदमी है, परमेश्वर से भी बड़ा विद्वान मानने वाला आदमी, इसलिए वो क्रांति कर रहा। सभी मुसलमानों ने किया नहीं किया, तो ये विज्ञानवादी दृष्टिकोण हमारे लोगों में आना चाहिए। यही तो बाबा साहब की मांग थी, यही तो गौतम बुद्ध की मांग थी, यही तो ज्योतिबा फुले की और कबीर की मांग थी। क्या बात है, क्या बात है। विज्ञानवादी दृष्टिकोण ये ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, और अगर इस दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। लेकिन एक बात जो इस पूरी चर्चा में जब हम राजा भाव ढाले से ये बात करते हैं तो ये इस चर्चा से उभर कर आती है कि नैतिकता ये सबसे बड़ी चीज़ है और वो प्रैक्टिसिंग में आनी चाहिए, वो सिर्फ कहने सुनने में नहीं। लोग कहते सुनते बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको प्रैक्टिसिंग में नहीं लाते हैं और इससे आंदोलन उस ताकत से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पैंथर इस वक्त भी निराश नहीं है और ये पैंथर ये मानता है कि आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इस आंदोलन को आगे लेकर चलेगी। भाऊ, आप हमारे साथ आए और हमसे ये बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं लेकिन इस वादे के साथ कि हम आपको कल फिर मिलाएंगे एक ऐसे योद्धा से जो बाबा साहब के आंदोलन का परचम अपने कांधे पर लिए चला है उस उन्नति की ओर और जीवन के उस उत्थान की ओर जहां से मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना होती है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। जय भीम।